देश जिनको देखता तथा सुनता है। ऐसे श्री राकेश जी भारत नीति प्रतिष्ठान IPF के मानद नियामक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक है। आप भी स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थी रहे हैं। CPI इट्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिंस इट्स इसेप्शन 1964 से 2007 आपका PhD का विषय रहा है। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर हेडगेवार, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, टेररिज्म एंड इंडियन मीडिया, रोटी राज्य और रोजगार, सेक्युलर इंडिया, पॉलिटिकल ऑफ माइनॉरिटिज्म तथा अन्य अनेक पुस्तकों के आप ख्यातनाम लेखक तथा प्रसिद्ध स्तंभ लेखक रहे हैं। ऐसे राकेश जी को मैं विनती करता हूँ कि वो अपना विषय रखे। राकेश जी, सभागार में उपस्थित परम पूज्य सर संघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन राव जी भागत, माननीय श्री सुरेश सोनी जी, माननीय श्री दत्तात्रेय होसवले जी, मंच पर उपस्थित माननीय जी नंद कुमार जी और मेरे मित्र मौलिक चिंतक श्री शंकर शरण जी, और सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मैं आ रहा था तो मेरी फ्लाइट छूट गई थी। दूसरी फ्लाइट मिली तो मैं बहुत असहज था, तो मैं सोच रहा था सहज कैसे हूँ। तो भारत की अद्भुत प्रकृति है। प्रकृति आपके निदान का साधन आपके पास में भेज देती है। मेरे बगल में एक हरियाणा के मित्र बैठे हुए थे, मेरे मित्र नहीं थे, वो तो बैठे थे इसलिए मित्र हो गए। जब एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि आपको बेल्ट लगाना है, तो मैंने तो लगा ही रखा था, क्योंकि मैं लेट से आया था, तो एक फ्लाइट छूट गई थी तो मैंने जल्दी बेल्ट लगा लिया था, ये भी ना छूट जाए। तो जब उन्हें बेल्ट लगाने के लिए कहा गया तो कहा मैं क्यों लगाऊं, मैं तो बेल्ट लगा कर आया हूँ, मैं तो बिना बेल्ट लगाए घर से निकलता ही नहीं हूँ। तो उस एयर होस्टेस को लग गया कि बहुत निर्दोष भाव से बोलता हो, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप समझा दीजिए। तो मैंने कहा इसलिए लगाना पड़ता है कि यह प्लेन चलती है, दायां बायां होती है। कहता भैया तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं, मैं कहाँ गिरूँगा अब तो मैंने कहा कैसा है कि आप गिरेंगे नहीं लेकिन उतार दिए जाएंगे। कहता तब लगा लेता हूँ। तो मैं तो सहज हो गया उसके बाद, लगा छूट गया प्लेन छूट गया, लेकिन एक अच्छा मित्र मिल गया। मित्रों, बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है। दुर्भाग्य का कारण मेरे जैसे लोग हैं। 1931 में महात्मा गांधी और कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने दो भाषण दिए थे। महात्मा गांधी ने लंदन में डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटीफुल ट्री, एजुकेशन का अंत क्यों हुआ भारत में, वो भाषण दिया। महान दार्शनिक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने बंगाल में उसी साल आशुतोष मेमोरियल लेक्चर में विचारों का स्वराज का नाम का स्वराज इन आइडिया का भाषण दिया। 31 के बाद 2017 तक हम उसी भाषण को रिपीट करते रहेंगे। चार उपनिषद लिखे गए थे और स्वतंत्रता के बाद हम बुद्धिजीवियों ने एक पांचवा उपनिषद लिखा है। आपको नाम मालूम है? ये GS का बहुत गंभीर सवाल है। पीड़ितो निषद, विक्टिमोलॉजी, आहतो उपनिषद। मुगल आ गए, गौरी गजनी आ गया, तो आ गया तो क्या हो गया, आ गया। ये गौरी गजनी ब्रिटिश शासन के जाल में फंसा हुआ भारत का बुद्धिजीवी माइक्रो नैरेटिव में, माइक्रो डिस्कोर्स में मकरे की जाल की तरह देश को फंसा कर रखना चाहता है। हम अपनी न्यूनता को छिपाने के लिए, हम विजय यात्रा का नहीं लिए गए संकल्प के कारण अपनी विकलांगता को पर पर्दा डालने के लिए कभी हम JNU से टकराते हैं, कभी हम जादवपुर से टकराते हैं। अरे क्या JNU जादवपुर है, कौन भारत को तोड़ देगा? औरंगजेब तोड़ पाया? यह भारत कहां से कहां पहुंचा हो, मैं इसका एक आंकड़ा देता हूं।
1853 में 0.0014% लोग स्कूल जाते थे, 1940 तक यह आंकड़ा सिर्फ 4% हुआ। आज भारत कहां है? वैज्ञानिकों ने अपने शास्त्रों में व्याप्त उन कथाओं का बार बार जिक्र करके रोना नहीं रोया, वो मंगलायन तक गए। उन्होंने नहीं रोया कि देखो हम तो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, ब्रिटिश ने आगे नहीं बढ़ने दिया, हम तो इतना आगे थे विज्ञान में, हम पुष्पक विमान थे, लेकिन अब देखो ब्रिटिश राज के कारण नहीं कर पाए। ये रास्ता नहीं है मित्रों, ये हम भारत के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, हम माइक्रो नैरेटिव के शिकार हो गए हैं। हमें मेटा नैरेटिव क्रिएट करना है, वो मेटा नैरेटिव है आइडिया ऑफ इंडिया, वो मेटा नैरेटिव है। किसी ने पूछा डिकोलोनाइजेशन का शब्द बदलिए, शब्द मत पूछिए, यह तो यात्रा का पहला पड़ाव है, इसका अंतिम परिणति वेद और उपनिषद को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सिलेबस का मुख्य अंग बनाना है। कॉलोनाइजिंग द कॉलोनाइजर्स, भौतिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से नहीं, विश्व विजेता बनकर नहीं, लूटने के लिए नहीं, उन्हें परतंत्र करने के लिए नहीं, इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, उनको कॉलोनाइज करने के लिए हमारी यात्रा शुरू हो रही है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद 1890 में प्रति 1000 वे बच्चे जो स्कूल गोइंग एज कहा जाता है में सिर्फ 49 भारतीय बच्चे स्कूल जाते थे। मैक्सिको में यह संख्या 181 थी, ब्राजील में 69 थी, चिली में 192 थी, पर्शिया में 742 था, फ्रांस में 832 था, अमेरिका में 971 था, और यहां जापान में 370 था। उस परिस्थिति के बावजूद भी भारत की मेधा ने विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में देश को नाम दिया। अब मैं आता हूं ये पीड़ितो उपनिषद क्या है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा, ये जो ब्रिटिश है, ये यूरोप है, उनके पहले मैं एक बात अपनी बोल दूं, नहीं तो आपको लगेगा मेरी बात भी उन्हीं की है। देखिए यूरोप ने, बाकी दुनिया में डिवीजन ऑफ लेबर है, यूरोप में डिवीजन ऑफ थॉट्स है। एक जनरल डायर पैदा लेगा तो इसमें एक लास्की बैठा हुआ होगा। जनरल डायर जालियांवाला में जाकर क्रूरतापूर्ण लोगों को भूनते समय नैसर्गिक सुख का आनंद करेगा और लास्की उदारवाद की का प्रवचन करेगा। एक डरेडा और फूको पैदा लेगा तो एक ट्रंप पैदा ले लेगा जो अपने मन मुताबिक बंग गिराता चलेगा। यह पश्चिम के डिवीजन ऑफ थॉट्स को हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है, ये उनका डायलेक्टिक्स नहीं है। पश्चिम एक विचार प्रणाली है, व्यवहार और विचारों का एक संयोग है, वह पश्चिम है। पश्चिम किसी भूभाग का नाम नहीं है। उसी तरह से भारत एक विचार का नाम है, एक आइडिया का नाम है। मैं तो कहना चाहता हूं 50 साल तक वेद उपनिषद संहिता का नाम लेना बंद हो जाए, उस पर मॉडिटोरियम लग जाना चाहिए। जब तक हम ये वेद उपनिषद और संहिता को कोट करते रहेंगे, संस्कृत के लक्ष्यदार श्लोकों का वर्णन करते रहेंगे, हम अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वेद उपनिषद तो हमें वास करता है, यह पढ़ने की आवश्यकता तो यूरोप को है, इसलिए यूरोप के विजय की यात्रा का नाम डीकोलोनाइजेशन है। यह विश्व में किस तरह की रचनावली हुई उपनिवेशवाद की, उसके दो रूप थे। एक फ्रांस का था उपनिवेशवाद, एक ब्रिटेन का था उपनिवेशवाद। फ्रांस ने एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में पूरे अपने उपनिवेशों में एक प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की। ब्रिटेन ने उपनिवेश के संदर्भों के अनुसार संविधान का निर्माण किया।
उसने वहां के कुलीनों के बीच प्रतिस्पर्धा कराई संवैधानिक विकास के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के नाम पर, और विभाजन की रेखाओं को अंकित कर गया। इसलिए फ्रांस की जो कॉलोनीज हैं वहां विभाजनकारी प्रवृत्तियां कम हैं, जो ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं वहां विभाजनकारी प्रवृत्तियां अधिक हैं। ब्रिटेन से लुटेरा भी लुटेरा ही था, उसका मैं एक उदाहरण बताता हूं। ब्रिटेन स्वभाव से छली और कपटी शासक रहा है। 1940 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम था कॉलोनियल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्ट। फ्रांस ने 1944 में ऐसा ही एक्ट पास किया। फ्रांस ने अपने कॉलोनीज में 40% इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 20% एजुकेशन और हॉस्पिटल पर, 12% शोध पर, रिसर्च पर, शेष अन्य चीजों पर खर्च किया। 40 से लेकर 47 तक ब्रिटेन ने भारत में और भारत सहित दूसरे उपनिवेशों में एक पैसा खर्च नहीं किया। आगे क्या किया? उसी दौरान ब्रिटेन ने एक और समझौता किया, भारत का जितना धन होगा वह बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाएगा। और आजादी से पहले एक और समझौता कर गया, मॉरिटोरियम कर गया, कुछ धन पर भारत का एक्सेस नहीं होगा। इसलिए मैं गुजरात में आकर गुजरात की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, गुजरात कभी कभी गलती भी कर देता है। सरदार पटेल हैदराबाद के निजाम को हटाते या नहीं हटाते? वो निजाम नहीं भी हटता तो हम हटा लेते। दिल्ली का बैठे हुए निजाम को उन्होंने छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहीं से उपनिवेशवाद की जो रेखा अंकित होती है वहीं से होती है जो भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत को पश्चिम के लेंस से, प्रिज्म से देखता हूं। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था। मित्रों, विपिन चंद्र पाल ने, जो मैंने कहा मॉरिटोरियम लगना चाहिए, विपिन चंद्र पाल ने कहा ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं जो भारत का अध्ययन करते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम स्वभाव से आलसी बुद्धिजीवी, उनको उद्धृत करके उनका प्रमाण पत्र लेकर भारत की महानता का गुणगान करते हुए पता नहीं कौन सा विश्व जगत गुरु का पद है उसको भरने के लिए परेशान रहे। वो कौन सा पद है, कहां पद है, कैसे मिलेगा? दरेड़ा आता है तो हजारों लोग सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, ना उसकी नेशनलिटी पता है किसी को, उसकी भाषा नहीं जानते हुए भी लोग सुनते हैं। फूको आता है तो हॉल खचाखच भर जाता है। तो आखिर दरेड़ा फूको हम क्यों नहीं बन पा रहे? तो बीसी पाल ने कहा जब कोई व्यक्ति उनकी रचनाओं को पढ़ता है तो उसमें पुरातत्ववादी सोच का जन्म हो जाता है, एंटीक्वेरियन थॉट आ जाता है, वो एकेडमिक हो जाता है। हमारी ये उपलब्धियां थी। तो एंशिएंट पीरियड जो हमें प्रेरित करने के लिए कंटिन्यूटी विद चेंज की एक जो धारा प्रवाहित होती, उस धारा को रोककर हमें पुरातत्ववादी बनाकर, पुरातन पंथी बनाकर हम सीधे भारत वर्शिपर बन जाते हैं, भारत में रहने वाला भारत का वर्शिप कर। नेहरू ने कहा था कि इस देश की सारी जनता भारत माता है, मैं उनके इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं। इसीलिए जो जनजाति, जिन्हें जनजाति कहा जाता है, जिसका नाम 1931 में ब्रिटिश ने एक जनजाति 31 के सेंसस में दिया था, 31 से पहले उनको एनिमिस्ट कहा जाता था, हम उसे बदल नहीं पाए। तो जो परिभाषाएं वो दे गए, जो लोग सबसे हास्य पर हैं, जो लोग शोषण के सबसे अधिक शिकार हैं, उन्हें हम कहते हैं कि भारत की संस्कृति के वाहक हैं। इससे उनकी आवाज आती है कि यदि हम भी अंग्रेजी सीख लें, हम भी बड़े विश्वविद्यालय कुलीन स्कूलों में पढ़ लें, हमें भारतीय संस्कृति का वाहक नहीं बनना है, हमें कुलीन विश्वविद्यालय में पढ़ना है। इसलिए चंद्रभान प्रसाद जी जब टेलीविजन चैनल पर आते हैं तो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, मेकाले की पूजा करना चाहिए, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की दास्ता हम भुगत रहे। इस भाषा की लड़ाई लड़ने के लिए आपको डेयरिंग डिकोलोनाइजर होना पड़ेगा। इस देश में एकमात्र डेयरिंग डिकोलोनाइजर था
उसका नाम है महात्मा गांधी। हालांकि उन्होंने भी गलती की जिन्ना के साथ, सारे गुजराती एक गलती कर जाते हैं। तो अब क्या हुआ, हाँ, तो महात्मा गांधी ने, मैं उनको एक कहानी सुनाता हूं। 1921 में उन्होंने कहा कि कंट्री कैन नॉट बी मेड ए नेशन विथ ए कम्युनिटी ऑफ ट्रांसलेटर्स, अनुवादकों के बल पर कोई देश राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसका प्रयोग कहां कर दिया, देखिए, बनारस में एक सभा थी, सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला बनारस की सभा में आई, गांधी जी से ज्यादा लोग उनको देखने उनको सुनने आए थे, और अंग्रेजी की तो थोड़ी बाबा ही, अभी भी कोई अच्छी अंग्रेजी बोल लेता था हम कहते बहुत विद्वान है, पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोल गया। तो सरोजिनी नायडू उठी और अंग्रेजी में बोलना जैसे शुरू किया, गांधी ने कहा रुको, पूरी सभागार चौंक गई, हजारों की भी, कहा हिंदी में बोलो। सभा से आवाज आई, गांधी के को पहली बार प्रतिरोध का सामना अपने समर्थकों से करना पड़ा कि सरोजिनी नायडू को बोलने दीजिए। गांधी ने कहा कि या तो सरोजिनी नायडू हिंदी में बोलेंगी नहीं तो मैं जाता हूं। अब सरोजिनी नायडू के लिए तो बहुत परिश्रम की बात थी, अब वो हिंदी अंग्रेजी मिला के खिचड़ी बोलना शुरू कर दी। कल होके एक अखबार ने जो हेडलाइन टाइटल दिया, अंग्रेजी के अखबार ने, उसको मैं हिंदी अनुवाद बताता हूं, लोग मिष्ठान खाने आए थे और खिचड़ी खाकर गए, गांधी खिचड़ी खिलाते थे। उन्होंने कहा, यह कहने की ताकत चाहिए, बाल गंगाधर तिलक की उस लोकप्रियता के, असीम लोकप्रियता के बीच में गांधी ने कहा, राजा राम मोहन राय जो भारत के समाज सुधार के कारण भारतीय पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं, उसके बारे में गांधी ने कहा, मैं नानक कबीर चैतन्य को बड़ा बौद्धिक और महान मानता हूं तिलक और राजा राम मोहन राय की तुलना में, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा में इस देश को जिंदा रखा और जिसके कारण देश की संस्कृति जीवित रही। मैं उन दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं जिसके कारण डीकोलोनाइजेशन की एक विषय बनकर रह गया है। डीकोलोनाइजेशन इज ए प्रोजेक्ट, इज ए प्रोग्राम, ये एक विचारधारा का मेटा नैरेटिव नहीं है, ये एक प्रोग्राम है, वो मेटा नैरेटिव का पार्ट है। मेटा नैरेटिव क्या है, दो सभ्यताओं के बीच में, पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं के बीच में जो संवाद और संघर्ष की कहानी है, उस संवाद और संघर्ष की कहानी को पुनर्जागृत करना। भारतीय परिवेश में, भारत के विश्व वैश्विक दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद शब्द तो था ही नहीं, राष्ट्रवाद ये पश्चिम की उपज है, लेकिन आज ये पॉलिटिकल इंपरेटिव है, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं, इसलिए हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में इसे मानते हैं। हम तो सभ्यता के रूप में जीते थे, जब जब सभ्यताएं रहीं संघर्ष कम रहा, जब राष्ट्रवाद उपजा संघर्ष होगा। इसलिए इस सभ्यता के डिस्कोर्स को, डायलॉग को आगे बढ़ाना ही डीकोलोनाइजेशन का एक पहला और अंतिम उद्देश्य है। वो क्यों नहीं बढ़ा, भाषा की बात बार बार आई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में आए, उन्होंने कहा कि चाहे हमारी भावनाएं जितना भी हमें निर्देशित करे, आवर इमोशंस हाउस ओवर मे आवर इमोशंस डायरेक्ट, लेकिन मैं यह बात ईमानदारी से कहता हूं कि संविधान बनाने के लिए जुटे हुए सभी लोग अंग्रेजी भाषा में अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, इसकी तुलना में कि दूसरी भाषाओं में, हिंदी में। दूसरा कथन मैं बताता हूं कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी का, जिनका भाषण डीकोलोनाइजेशन के का एक मैनिफेस्टो में मानता, दिस इज मैनिफेस्टो ऑफ डीकोलोनाइजेशन। लेकिन उन्होंने एक सच स्वीकार किया, उन्होंने कहा जिस दिन भाषा की गुलामी से हम मुक्त हो जाएंगे उस दिन वास्तव में विचारों में स्वराज आ जाएगा। और यह कहते हुए उन्होंने कहा, लेकिन अंग्रेजी की बाध्यता यह सी है कि आज की सभा में यदि मुझे बंगला में बोलने कहा जाए तो मेरे लिए बहुत ही मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आज अंग्रेजी में बोल रहा हूं।
इस लाचारी और बेचारगी के कारण की पृष्ठभूमि को मित्रों समझना होगा। ये भाषा का सवाल सी भावनात्मक सवाल नहीं है। अंग्रेजी की विजय यात्रा और फ्रेंच की पराजय यात्रा सिर्फ भाषा की सुदृढ़ता, भाषा की लचीलेपन का सवाल नहीं है, यह एक अंग है। यह दुनिया की शक्ति के संबंधों से जुड़ा हुआ पक्ष है। दुनिया के पावर स्ट्रक्चर में, व्यवसाय में, ताकत में जो देश संपन्न होगा उसकी भाषा की मानना हमारी बाध्यता हो जाती है। अच्छी नौकरी मिलना, अच्छे सामाजिक शोहरत लेना, बड़े देशों का रिकग्निशन प्राप्त कर लेना, इन तीन बातों के कारण अंग्रेजी अपनी महत्ता बनाई हुई है। इसलिए इन जिन तीन बातों के कारण अंग्रेजी की महत्ता बनाए रखनी है, डीकोलोनाइजेशन का वह भी एक हिस्सा है, इन तीन बातों को रिवर्स कर देना, उसको उल्टा कर देना। इसलिए दुनिया की शक्ति की संरचना को बदलने के लिए ही डॉक्टर हेडगेवार ने यह कहा था कि पावर साइन क्वानन। आज की परिस्थिति में अगर हम ताकत इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम अपने चाह कर भी अपनी बातों को बदल नहीं पाएंगे। मुझे याद है कि माननीय सोनी जी ने लोकमंथन में बोलते हुए एक बात धरन दिया था कि महाभारत के युद्ध में धर्म की सही परिभाषा बोलने वाला चिल्लाता रह गया और भगवान कृष्ण युद्ध कराते रह गए। लोग भगवान कृष्ण की बात सुन रहे थे और धर्म की परिभाषा देने वाला चूंकि पावर की संरचना में कमजोर था, शक्ति की संरचना में उस वक्त कमजोर था, इसलिए उसकी परिभाषा स्वीकार्य नहीं हुई। तो डीकोलोनाइजेशन कोई भावनात्मक लड़ाई नहीं है, यह फिजिकल, पॉलिटिकल, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और सभ्यताई, इन चारों पक्षों की लड़ाई है। भाषागत प्रश्न उसका एक अंग है, वह स्वतः आगे बढ़ता जाता है। अब मैं आता हूं दुनिया में दूसरे उपनिवेश और भारत में क्या मौलिक अंतर रहा है। क्या डीकोलोनाइजेशन की लड़ाई दुनिया के अन्य देशों में हो रही है? इसकी पहली सुगंध में अफ्रीका के देश से मिली। जब नगुई नाम के एक व्यक्ति ने डीकोलोनाइजिंग द माइंड करके एक पुस्तक लिखी, उनके भाषणों का संकलन है। उन नगुई कौन थे? तो अफ्रीका एक ऐसा देश था, वो एक चिंतनशील बुद्धिजीवी था जिसने दो बातों पर गौर किया। जब वहां पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, व्हाइट और ब्लैक की झगड़े चल रहे थे, तो नगुई ने अपने स्कूल का अनुभव बताया। स्कूल में वो बोलते हैं कि अपने घर में दादी माँ अम्मा से कहानी कुछ सुनाई पड़ता था, जिस भाषा में सुनते थे, पड़ोस में बच्चों के साथ किसी और भाषा में बातें करते थे, सहजता होती थी। जब स्कूल जाते ही हमें असहज होना पड़ता था, हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता। तो दो बातें अंग्रेजों ने की। बच्चे फिर भी जब ब्रेक में निकलते थे तो अपनी भाषा में बात करते थे, तो अंग्रेज शिक्षकों को बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि उनको सिर्फ भाषा को थोपना नहीं था, इसको कहते हैं मेंटल इंजीनियरिंग। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, मानसिक रूप से अभियंत्रीकरण कर देना, आपके मन को ऐसा बदल देना कि जो चीज गलत है वो सही लगे, जो सही है वो गलत लगे। तो वहां एक अवार्ड स्थापित किया गया प्रतिदिन, जो बच्चा किसी को अपनी मातृभाषा में बोलते हुए पकड़ेगा उसे क्लास में यूं ही प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो पकड़ा जाएगा उसको एक मेटल प्लेट लगा दिया जाएगा, उस पर लिखा रहेगा आई एम ए डंकी। तो उन्होंने कहा, अफ्रीका का वो सिद्धांत की दर्शन की बात कही, जैसे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, तो अफ्रीका का भी एक दर्शन है, उसको कहते उबंतु। मैं हूं चूंकि तुम हो, आई एम बिकॉज यू आर। तुम्हारा अस्तित्व नहीं है तो मेरा अस्तित्व नहीं है। अपने अस्तित्व को अपने सामने वाले के अस्तित्व से जोड़ना। पश्चिम की संस्कृति क्या है? बाइनरी, Either me or you।
इसलिए पश्चिम से जितनी जितनी विचारधाराएं आई वो सामने की विचारधारा को ध्वस्त करके अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। कैपिटलिज्म आया तो बाकी विचारधाराओं को अंत करना है, कम्युनिज्म आया तो बाकी विचारधाराओं को अंत करना है। तो पश्चिम बाइनरी पर आधारित है, जो जिसको राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा में कहा जाए अदरनेस, वो अदर्स पैदा करता है, हम और दूसरे। जो आप ओरिएंटलिज्म सुनते हैं विषय, सभी लोग समाज शास्त्र के नहीं हो समझ नहीं, ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है कि जो लोग शासक हैं वो दूसरों को अदर समझते हैं, अर्थात इंफीरियर, अपने से कम आंकना। तो जितने उपनिवेश के लोग हैं उनको अदर्स के रूप में ओरिएंटलिज्म ने परिभाषित किया, उसको बदला है एक एडवर्ड सेड नाम के समाजशास्त्री ने। उसने कहा यह ओरिएंटलिज्म नहीं है। उसी के बाद पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स आया। जब आप इस पर आगे बढ़ेंगे, चूंकि आज सभा हो रही है तो ये शब्दावलियां आपके सामने आएंगी। पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स क्या है, ओरिएंटलिज्म और पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स में क्या अंतर है? उत्तर औपनिवेशिक विमर्श और ओरिएंटलिज्म में बुनियादी अंतर मैं एक लाइन में बताता हूं। ओरिएंटलिज्म आपको ऑब्जेक्ट मानता है, आपका आपके लिए वह अध्ययन करेगा, आपको वो रिप्रेजेंट करता है। कोई हमारे बारे में लिखता है, किसी ने गांधी जी की तुलना मोनालिसा की स्माइल से कर दिया, हम खुश हो गए। किसी ने द लाइट ऑफ एशिया लिख दिया भगवान बुद्ध पर, हम खुश हो गए, उसको लेकर घूम रहे हैं, देखो उसने लिखा। ये ओरिएंटलिज्म है। पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स कहता है, उत्तर उपनिवेश विमर्श कहता है कि रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेबिलिटी खुद उन लोगों का होगा जिसके बारे में बात की जाती है, वो अपनी बात स्वयं करेंगे। ये पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स। एक और स्कूल आया, जब हम बड़ी यात्रा में निकलते हैं तो मैं छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, जो दूसरे हैं वैसा हमें नहीं बनना, हमें ज्ञान की सभी परंपराओं का सम्मान करते हुए उनके उन तत्वों को लेते हुए भारत के विचार को सुदृढ़ करना। उसमें एक सबाल्टर्न स्कूल है, हमारे यहां न्यूनता जनित अपराध बोध ग्रसित आलस्य बोध से पीड़ित जो बुद्धिजीवी हैं, हम सभी सीधे खारिज कर देते हैं उसको, बितंडावाद की तरह, जो है सब गलत है, बिना अपना विचार को अधिष्ठान को स्थापित किए हुए दूसरे को खारिज करना, बिना उन्हें पढ़े बिना उन्हें समझे, क्या उसमें कोई तत्व नहीं है? शंकर शरण जी ने कहा कि वो ऐसे लोग हैं जो विद्वान भी हैं, वो भले ही अविद्या के धारक है लेकिन अविद्या से तुम्हें विद्या निकालना है। आखिर रावण से भगवान राम ने अपने अनुज को कहा जाकर ज्ञान लेकर आओ, तो क्या सबाल्टर्न स्कूल से हम ज्ञान नहीं ले सकते? जो काम राष्ट्रवादी विचारकों का था वो काम दीपेश चक्रवर्ती किया कि नहीं किया? दीपेश चक्रवर्ती ने एक पुस्तक लिखा प्रोविंशियलाइजिंग द यूरोप, उसका मतलब क्या है? कहता है तुम तो एक प्रोविंस हो, कहते हो हम पूरे यूनिवर्स हैं। इससे बड़ा चैलेंज पश्चिम को किसने दिया? उनके बाकी आर्थिक पक्ष को क्लास वार को हम छोड़ दें, प्रोविंशियलाइजिंग द वेस्ट, पूरी दुनिया यदि एक एक देश है तो तुम एक छोटे से प्रांत हो। तो यूरोप का प्रांतीयकरण कर दिया उसने, कहा तुम प्रांत हो, प्रांत की तरह बात करो, हम सब प्रांत हैं, जो जितना बड़े साइज का उस तरह से बात करेगा। दूसरे हैं गायत्री स्पिवाक, उसने कहा हमारे अद्वैत को द्वैत को का अनुवाद क्या मोनिज्म और पॉलिज्म में हो जाएगा? अब अद्वैत और मोनिज्म का क्या डिफरेंस है? पश्चिम समझ नहीं पा रहा है, अद्वैत संख्यावाद को मानता ही नहीं है, यहां तक कि बौद्ध के शून्यवाद को भी अद्वैत नहीं मानता है। यह गुणात्मक पक्ष है और मोनिज्म संख्यात्मक पक्ष है, वो एक की बात करता है। यहां यह एक भी अस्तित्व में नहीं है गुणात्मकता में। तो यह अंतर इस विभाग ने किया। तो भारत में डीकोलोनाइजेशन की लड़ाई अलग अलग मंचों से हो रही है,
लेकिन ये जो लोग हैं बहुत चतुर लोग हैं, ये लड़ाई डिकोलोनाइज करने के लिए नहीं लड़ रहे, ये अच्छी बात कह दिए गलती से, ये लड़ाई वास्तव में मार्क्सवाद के जो विफलता है तो डिकोलोनाइजेशन के एक बड़े बैनर को अपनाकर मार्क्सवाद को जीवित रखने के लिए ये सबाल्टर्न स्कूल खड़ा होता है। इसलिए सबाल्टर्न स्कूल से बिना परहेज किए ज्ञान की डिकोलोनाइजेशन की जो धारा है, जो वो बड़ा एक बड़ा विमर्श, बृहत विमर्श क्रिएट करता है, उसमें हम उन सभी तत्वों को साथ लें। अब तक नगुई ने क्या कहा? नगुई ने 1977 में 1977 में एक प्रण लिया, उसकी पुस्तक थी पेटल्स ऑफ ब्लड। अब उसने 77, वो एक प्रख्यात नॉवेलिस्ट था, दुनिया के लोग उसको जानते थे, उसने कहा कि मैं अब से अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा और अपनी भाषा गिकुई में लिखना शुरू किया। यह प्रण लेने की क्षमता जो गांधी ने हिम्मत दिखाई, वह अफ्रीका में गिकुई दिखा रहा है। एक और पक्ष है, तीन शब्दावलियों से मैं इसलिए जानबूझ के कह रहा हूं कि ये डिकोलोनाइजेशन का हमारा बौद्धिक विमर्श सिर्फ मानसिक मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए। जो संत लोग होते हैं, हम परम पूज्य सरसंघ चालक जी से, मान्य सोनी जी से, मान्य दत्तात्रेय जी से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि शोध करें, उससे प्रेरणा के शब्द आते हैं। लेकिन यदि बुद्धिजीवी भी प्रेरणा के ही शब्द देने लगेंगे तो फिर सभी पूरा समाज ही संत बन जाएगा। तो मैं मोहन जी को यहां उद्धृत करना चाहूंगा। मोहन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे पूरे विमर्श में, भारत की विमर्श की जो विफलता है और होने वाली सफलता की जो किरणें दिखाई पड़ रही हैं, वह परिभाषा सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा था कि बुद्धिजीवी होने के लिए आपको संत बनना पड़ेगा। ज्ञान की परंपरा का वाहक वही हो सकता है जो गुणों का वाहक है, जो मूल्यों का वाहक है। भारतीय परंपरा में चाणक्य ने गुणों के साथ संकल्प लिया, इसलिए उसकी विद्वता का असर हुआ और भारत एक साम्राज्य बना। जिस दिन आपकी पात्रता समाप्त हो जाती है, गुणात्मकता समाप्त हो जाती है, गुण और मूल्य को आप छोड़ देते हैं, आप एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो भारत के बुद्धिजीवियों को पहला शर्त यह है कि संत होना। देखिए, विश्वविद्यालय के शिक्षा पद्धति में अनेक खामियां हैं, सिलेबस में अनेक खामियां हैं, लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए, तीन स्कॉलर्स का मैं नाम ले रहा हूं, कालिदास भट्टाचार्य फिलोसोफर थे, मतीलाल जी और दयाकृष्ण जी। दयाकृष्ण जी ने वही बात कही जो विपिन चंद्र पाल ने कहा इंडियन फिलोसफी इज डेड, इट इज ममीफाइड। जैसे मिस्र में मरे हुए व्यक्ति पर एक लेप लगाकर उसको जीवित रखते हैं, मतीलाल जी ने कहा कि उन्होंने एक प्रीफेस लिखा, नौ न्याय पर वो जब एक अपना प्रीफेस लिख रहे थे प्राकथन, तो उन्होंने लिखा, मैं किसके लिए लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्यों लिख रहा हूं। जितना मैं इस सवाल पर सोचता हूं उतना ही उसका उत्तर नहीं मिलता है। तो यह जो भारतीय दर्शन का कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था, जब भी हम विमर्श देखते हैं तो प्रेजेंट, उनका शब्द है, प्रेजेंट एक्चुअलिटी इज मिसिंग, आज क्या आवश्यकता है। तो इसका एक चीज देखिए कि आखिर इन दोनों का क्यों नाम है फूको डरेडा का। दुनिया एक प्रगतिशीलता के साथ आगे बढ़ती है, तो जो सवाल दुनिया के लोगों के मस्तिष्क को आवश्यकता है, उस सवाल को यदि आप संबोधित नहीं करेंगे तो आपकी अच्छाई भी आपकी कमियां बन जाती है। आज सवाल है मानवाधिकार के प्रश्न का, आज सवाल है राज्य की बढ़ती हुई ताकत, उस ताकत के कारण लोगों पर हो रहे अनाचार और अत्याचार का, आज सवाल है हाशिए पर
जा रहे लोगों के शोषण का दोहन का, आज सवाल है प्रोस्कस्टियन मॉडल्स को बदलने का। पूरी दुनिया को एक रूपता में ढालने की जो कोशिश हो रही है उसको चुनौती कौन दे रहा है? आखिर ये डरेडा दे रहा है, आखिर फूको दे रहा है? उन दोनों की चुनौतियों का आधार क्या है? भारतीय दर्शन। वे भारतीय दर्शन को जितनी अधिक मात्रा में उद्धृत करते हैं उतनी मात्रा में कोई भारतीय विद्वान नहीं कर पाता है। उन्होंने भारतीय दर्शन को वर्तमान के संदर्भ में परिभाषित कर लिया, अपने शब्दों में अपने दर्शन का अंग बना लिया, और जिसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ द फिलॉसफी, वो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, वो इंटरनलाइज नहीं कर रहे हैं। अब एक सवाल उन्होंने उठाया जो महत्वपूर्ण सवाल है, प्रोस्कस्टियन मेथड क्या है? ये राक्षस था ग्रीक का, जिसके पास एक बेट था, हम सब कहानी जानते हैं, आने जाने वाले का बहुत स्वागत करता है, जैसे पूंजीवाद बहुत स्वागत करेगा आपका। जब पूंजीवाद के दरवाजे पर जाएंगे तो लगेगा हम कल ही अंबानी बन जाएंगे, फिर आपको जीवन भर दास बना के रखेगा। तो आने जाने वाले रास्तों का स्वागत होता था, रात को कहता इस बेड पर लेट जाओ, और आपका साइज देखता था, यदि आप बड़े हैं तो काट देता था, छोटे हैं तो खींच देता था। दोनों आधार, दोनों ही स्थितियों में आपकी मौलिकता आप बदल दी जाती थी। आज पश्चिम पूरी दुनिया में मौल संस्कृति के द्वारा आर्थिक विकास के नाम पर, जीडीपी के नाम पर जो एक संस्कृति का को स्थापित कर रहा है, उसमें डाइवर्सिटीज के लुप्त होने की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। इस विविधता को जीवित रखने के लिए आज ये आवाज पश्चिम से क्यों उठ रही है? ये आवाज हमसे उठनी चाहिए थी। इसीलिए आज के संदर्भ में मैं डीकोलोनाइजेशन पर श्वेत केतु, सनत कुमार और याग्वल्क का नया पता ढूंढना पड़ेगा। वेद और उपनिषद में दिए गए पता से, एड्रेस से काम नहीं चलेगा। वो गुजरात में हैं कि कोकराझार में हैं कि बिहार के बेगूसराय में हैं, और कन्हैया कुमार से काम नहीं चलेगा बेगूसराय। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है, जो लोग भारत विरोधी होते हैं उनके माँ बाप पहले ही उनका नाम अच्छा रख देते हैं। सीताराम येचुरी जी सुबह उठते हैं, पेपर में देखते हैं सीताराम, फोन आता है सीताराम बोले को, तो हाँ मैं सीताराम बोल रहा हूँ। काम क्या करते मालूम है? पिता को मालूम था ये कंस का काम करेगा, नाम रख दिया कन्हैया। तो ये बच नहीं सकते हैं। भारत की परम, जैसे मैं फ्लाइट में सहज हो गया तो भारत अपनी प्रकृति के अनुसार चलता रहेगा। मैं दो तीन बातें और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। तीन चीजें हैं। एंटी कॉलोनियल डिस्कोर्स, वो क्या है? उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को दुनिया के मार्क्सवादियों ने सबसे अधिक उपयोग किया। एंटी कॉलोनियल डिस्कोर्स क्या करता है? यह फिर उन्हीं मूल्यों को उत्पादन करता है जो मूल्य औपनिवेशिक संस्कृतियां होती हैं। और इसका एक मार्क्सवादी जो मार्क्सवाद से हटकर बात करते थे, फ्रेंच फेनन, जिन्होंने डीकोलोनाइजेशन के लिए बहुत काम किया, उन्होंने डीकोलोनाइजेशन के डिस्कोर्स में, के विमर्श में एक हस्तक्षेप किया। उस हस्तक्षेप में था, उन्होंने कहा वायलेंस इज द की ऑफ डीकोलोनाइजेशन। हिंसा रहित जो संघर्ष होता है और जो आजादी मिलती है, उसमें औपनिवेशिक संस्कृतियां, औपनिवेशिक संरचना और औपनिवेशिक नेतृत्व अपनी जड़ जमा लेता है। इसके उन्होंने दो उदाहरण दिए जाते हैं, एक नेहरू के, एक सुकर्णो के। और इसी डीकोलोनाइजेशन के इस पक्ष को भारत ने एंटी कॉलोनियल डिस्कोर्स से निकालकर बिपिन चंद्र पाल, तिलक और लाजपत राय की डिस्कोर्स पर हमें खड़ा करना है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि लाजपत राय ने दुखी भारत में एक बात कहा था, इंपीरियल हिप्नोटिज्म, हमें इंपीरियल हिप्नोटिज्म से बचना है। ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक मना स्थिति होती है, जो मन स्थिति आज भी जारी है, और वह मन स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमको सिर्फ दादा भाई नौरोजी को याद करना पड़ेगा, जो थॉमस पिकेटी कैपिटल नाम की पुस्तक लिखकर आज पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने यह काम 1880 के दशक में किया था, जब उन्होंने कहा था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 34 साल में भारत से 500 मिलियन पाउंड ब्रिटेन गया है। उन्होंने पूरे आंकड़े प्रस्तुत किया, थॉमस पिकेटी आज कर रहा है। तो भारत की बौद्धिकता
जो नौरोजी से लेकर बिपिन चंद्र पाल ने जो किया था उस पर एक विराम लगा, उस विराम को हटाने की जरूरत है, संत बुद्धिजीवी बनकर काम करने की जरूरत है और नव और इस नव उदारवाद से, नव संस्कृति से जूझने की जरूरत है, दुनिया के विमर्श को बदलने की जरूरत है। दुनिया के विमर्श को बदलने का ही नाम डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड है। धन्यवाद। नंद कुमार जी को विनती करूंगा कि राकेश जी को स्मृति चिन्ह देके अर्पण करें। हमारे पास वक्त कम है इसीलिए दो प्रश्न हम ले सकते हैं। नमस्कार, मैं राधिका कचेरिया हूँ और मैं पंचायत से जुड़ी हूँ। मेरा प्रश्न शंकर जी को है। मैं आपको 19वीं शताब्दी में ले जाती हूँ जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स अगर हम वहां देखते हैं और हम अभी 20वीं शताब्दी में लेके आते हैं तो हम लोग शायद वहीं अभी भी सुखड़े हुए हैं। और आपने जो एक बहुत अच्छी बात की थी, जो एक्टिव एकेडमिक एक्टिविज्म की थी, इसको हम लोग प्रोएक्टिव कैसे करें? सब लोग एकेडमिशियंस नहीं है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे प्रोएक्टिव बन सके, ये मेरा प्रश्न है। मुझे लगता है इसका उत्तर डॉक्टर कपिल तिवारी जी ने अपनी बात अपने व्याख्यान में कई बार संकेत किया कि जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, अगर अपने बच्चों को, अपने नई पीढ़ी को हम सिर्फ उससे जोड़ दें तो अपने आप उसको उसका उत्तर मिल जाएगा। हम अभी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था में हैं जिसमें हम बचपन से ही मिशनरी स्कूल में जाते हैं, फिर अंग्रेजी शिक्षा में जाते हैं, मैकॉलेवाद में जाते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ उन्हें अपने भाषा साहित्य के प्रति एक लगाव तो पैदा कर सकते हैं। अगर हम, जैसे आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया, तो अभी कितने हमारे विद्यार्थी हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ पाते हैं? तो मेरे मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि आखिर उपनिषद से लेकर के अभी रविन्द्रनाथ टैगोर श्री अरविंदो तक उन्होंने जो ग्रंथ लिखे या छोटी छोटी रचनाएं लिखी, वो किसके लिए लिखी थी? वो हमारे लिए लिखी थी। हमारे सिलेबस में वो कहीं नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में वो कहीं नहीं है, हमारे विमर्श में वो कहीं नहीं है। तो हम कम से कम अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को सिर्फ यह प्रेरित कर दें कि श्री अरविंदो को पढ़ना, टैगोर को पढ़ना या उपनिषद को पढ़ना, ये कोई स्वैच्छिक बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के लिए और हमारे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। सिर्फ हम उसको उस परंपरा से जोड़ दें तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी हमेशा अधिक चतुर होती है, अधिक इंटेलिजेंट होती है और वो बातों को पकड़ लेगी। सिर्फ उनको वो सूत्र बता देना है और मुझे लगता है कि उसका उत्तर वो हमसे और बेहतर ढूंढ लेगी। नमस्कार, मेरा नाम जयवंत पंड्या है, पत्रकार हूँ। मैं दो तीन बातें पूरा रूप में जोड़ना चाहूँगा। एक तो हम डिकोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो हम स्पेन को भूल जाते हैं, जिसने इस्लाम के अटैक के बाद अपना पूरा डिकोलोनाइजेशन कर दिया, सब नाम बदल दिए। तो एक बात ये, फिर दूसरा चीन। अभी सतत ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है डिकोलोनाइजेशन की। जैसे गूगल आ गया तो वो पूरा कॉलोनाइजेशन हो रहा है, हमको मालूम भी नहीं है हम क्या टाइप करना चाहते हैं, वो भी गूगल नक्की करता है असिस्टेंट के द्वारा। तो चीन ने क्या किया कि बाइडू दे दिया और गूगल पर प्रतिबंध रख दिया। तो ये एक सिस्टम हमको देखना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हम ब्रिटेन को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन हमें कहने की ये ज़रूरत है कि ब्रिटेन भी हमारा है, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटानिका देवी है जिसके नाम पर से ब्रिटेन पड़ा है। वो भी ब्रिटानिका को आप देखेंगे तो ये आपको अंबाजी ही लगेगी। सी पर सवार है, हाथ में त्रिशूल है, पूरा ब्रिटानिका देवी है। आप इसको रोमन ने नाम दिया था, रोमन लोगों ने, ब्रिटानिका पर से ब्रिटेन नाम आया है। और तीसरी बात ये है कि भाषा, तो भाषा के लिए हम बोलते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, लेकिन चीन ने कर दिया। चीन, जर्मनी, रशिया सब में हायर एजुकेशन है, वो अपनी भाषा में है, वो ये हम कर सकते हैं। और मेरे पास, मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो मुझे मालूम है कि अमेरिका, कैनेडा सब जगह हमारी भाषा में वो लोग फॉर्म छापते हैं, तो हम ये यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? कि पहले उनपे मैं टिप्पणी कर दूँ कि किस देश ने क्या किया, चीन ने क्या कर दिया। चीन और बाकी देशों में, भारत में एक अंतर है।
भारत की सभ्यता को यदि एक शब्द में कहें तो नीलकंठ है। यदि नीलकंठ नहीं होता तो इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के बावजूद दासबोध नहीं लिखा जाता। हम तो अनुकूल परिस्थितियों में रोते हैं, आपको मुगल शासन में नेहरू शासन तो बहुत छोटी सी प्रतिकूल परिस्थिति थी, सोनिया जी की उपस्थिति तो बहुत छोटी, पूरा इटली ही है उपस्थित था, तब हम रोते हैं। इसलिए नीलकंठ बनना ही भारत का स्वभाव है और यही उस विविधता को एक रूपता में परिवर्तित कर देता है। एक और जम्मू कश्मीर की बात रही, भारत के इस्लाम को भारतीयकरण के दौर से स्वेच्छा से या व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। यदि नहीं गुजरा तो उनको भारत में न्यू मेल्टिंग पॉट में डाल लेंगे हम। और भारत के इस्लाम को के पास अवसर है कि पूरी दुनिया के इस्लाम को बताए कि रिलीजन का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप नहीं होता है, वह दार्शनिक स्वरूप होता है और वहाँ की संस्कृति से उसका तालमेल होता है। इसलिए जिस दिन जम्मू कश्मीर का मुसलमान अभिनव गुप्त की संस्कृति से जुड़ेगा, उसका समाधान है, राजनीतिक समाधान नहीं है, सांस्कृतिक समाधान है, जो भारत उसकी ओर बढ़ रहा है। सर मेरा नाम वैभव जोशी है, मैं ओडिशा से हूँ। सर एक क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में भी एक औपनिवेशिकता का भी है, एक मानसिक गुलामी से जम्मू कश्मीर भी वर्तमान में गुड़ा बना हुआ है, तो उसकी मुक्ति के लिए आपके पास क्या उपाय है? राकेश जी से मेरा क्वेश्चन। मैंने तो अपने बात में ही कह दिया था कि गुजरात ने गलती की, गांधी जी ने भी गलती की, प्रदेश पटेल जी ने भी गलती की। हम गांधी जी को क्यों दोष दें? गांधी जी की पहली गलती को हमने तब माफ किया जब सुभाष चंद्र बोस को इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को कांग्रेस से हटने के लिए बाध्य कर दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनका पहला पड़ाव नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार थे। हितवाद ने 23 जून 1940 को प्रथम पृष्ठ पर न्यूज छपा, बोस केम टू मीट हेडगेवार बट कुंट मीट। तो भारत की यह परंपरा में जो व्यक्ति पूजा है, जिसके लिए बार बार हमारे महापुरुषों ने कहा कि जब तक भारत व्यक्ति पूजा के उस दौर से बाहर नहीं निकलेगा, भारत विकास नहीं कर पाएगा। इससे मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ माइंड, पहले हम अपने मस्तिष्क का लोकतांत्रिककरण कर दें। जिस दिन हम अपने पर 100 विजय प्राप्त कर लेंगे, हम फर्म हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती है। चंद्रगुप्त जिस समय सेल्यूकस आया तो एक साधु ने कहा, कौन राजा, कौन विश्व विजेता, मैं इसको नहीं मानता हूं। आप पढ़िए जयशंकर प्रसाद को, एक सन्यासी ने पूरे साम्राज्य को, साम्राज्य के विजेता को चुनौती देकर भारत के सामने नतमस्तक होने के लिए बाध्य किया। फर्मनेस, चाणक्य की तरह अपमान सहने की क्षमता और सन्यासी की तरह संकल्प, यही भारत की विशेषता है। ये विशेषता भारत कह के जब हम कहते हैं तो हम अन्याय करते हैं, हमारी विशेषता होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न है, ठीक है, दोनों कानों से एक छोटी विमर्श आलोचना और मूल चिंतन के केंद्रों को भी बंद होते देखते हैं तो फिर ये बात तो बहुत पीछे तो क्या पढ़ रहे हैं और आगे कैसे पढ़ा रहे हैं। और एक छोटी सी बात, हमें ये तो पता है कि हमें एक्स की जगह वाई को लाना, लेकिन क्या वाई तैयार है? वाई को तैयार करने के लिए आपके पास शोध करने, लेकिन ये शोध संस्थान जो आज हमारे हैं वो बहुत ही न्यून काम कर रहे हैं। तो क्या हम अपने नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए हर विश्वविद्यालय में छोटे छोटे ऐसे संस्थान जो भारत मंतव्य तैयार? जो श्रेष्ठ बौद्धिकता होती है वो विश्वविद्यालय परिसर से नहीं आती है। आप सुन लीजिए, पहले मैं ये शोध संस्थान
मैं जो बात कहना है उसको समझिए कि चाणक्य से लेकर और आज का जो पश्चिम का दो बड़ा विद्वान है फुको ड्रेडर, ये विश्वविद्यालय परिषद के उपज नहीं है। जब एक बड़ा दर्शन एक समय में आ जाता है जिस संदर्भ में आता है, वो दर्शन फिर प्रभावित करता है लोगों को, फिर देखिएगा विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ने वालों की भीड़ लग जाएगी। आप उनको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, उनकी रोचकता उनका आकर्षण समाप्त हो चुका है। और एक और है, ये जो नौ उदारवाद है यह मनुष्य की सोचने की क्षमता को समाप्त करने के लिए सामाजिक विज्ञान को पूरी दुनिया से समाप्त करना चाह रहा है। यह कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म से बड़ा खतरनाक शत्रु है जो पूरी संरचना करा कि लोगों की सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। क्योंकि जब सोचने की क्षमता रहेगी तो पूंजीवाद पर सवाल होगा, साम्यवाद पर सवाल होगा। जैसे साम्यवाद ने समाप्त किया वही नव उदारवाद कर रहा है। ये एक बड़ी षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत विश्वविद्यालयों के सामाजिक विज्ञान के फैकल्टीज को खत्म किया जा रहा है। धन्यवाद।